चुनाव के परिणामों की भविष्यवाणी करना तो अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी जी, लेकिन जहां तक कि कांग्रेस के विधायकों की बात है, कि पहली ही बार भी तय हो गया था कि कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष दलों का सहयोग मिलेगा जी। और इस संदर्भ में कांग्रेस की पहले सपा से भी बात हो चुकी थी जी, और कांग्रेस की लोकदल से भी बात हुई थी जी। बात कहां तक पहुंची, किस हद तक पहुंची, उस बारे में तभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि कांग्रेस के जो भी विधायक है, मैं ओंकार नाथ सिंह की बात से सहमत हूँ, हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से अनुपस्थित उनकी कल रही हो, लेकिन हाँ, इस अनुपस्थिति की लेकर ये चर्चा जरूर है कि कहीं नहीं कांग्रेस में व कांग्रेस और सपा दोनों ही दलों में अपने पार्टियों को ले, अपने प्रत्याशियों को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा बगावती तेवर अपनाए हुए है। यहाँ आनंद जी, एक बात मैं कहूंगा, बड़ी अजीब सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी सिर्फ 6 मतों के बल पर खड़ा किया था जी। मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट, दूसरी सीट जीत लेती है, तो निश्चित रूप से चमत्कारिक सीट है जी। उनके लिए चमत्कार जैसा ही कार्य होगा, राज्यसभा की सीट अगर जीत लेती है। लेकिन एक बात तो है ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूसरा प्रत्याशी खड़ा करके उन राजनीतिक दलों को जरूर कह दिया है जो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह एकजुट खड़े होने का दावा करते थे जी। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं से देखिए इन दोनों दलों में हलचल मची हुई है। अगर एकजुटता है और सभी एकजुट या चट्टान की तरह खड़े हैं, फिर इतनी बौखलाहट क्यों है जी। कल समाजवादी पार्टी के खेमे करीब 1 दर्जन विधायक अनुपस्थित थे जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकदल का और बसपा का सहारा इनको मिलना चाहिए। जहां तक सूत्रों की बात है, मैं बात बता सकता हूँ, राज्यसभा के चुनाव में संभवतः बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का, हालांकि उन्होंने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं जी, लोकदल ने भी पत्ते खोले नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि सांप्रदायिक दलों का साथ, सांप्रदायिक भारतवा जैसे सांप्रदायिक दल का जो इनका मानना है, सांप्रदायिक दल का साथ नहीं देंगे जी। लेकिन जहां तक अभी भी मैं कह रहा हूं, खलबली मची है, समाजवादी पार्टी के खेमे में भी मची है, और सबसे बड़ा अगर अफेक्टेड है तो समाजवादी पार्टी खेमा है, और निश्चित रूप से चिंता का विषय तो है ही जी।